तरह से सर सुनहरों का जो बात होता है, वैसे में जो है हम लोग आज के समय में सुन रहे हैं एक करवन जलाशय परियोजना है सर, बहुत दिनों से हम लोग बात सुनते आ रहे हैं। हम तो अभी जैसे युवा हैं, आप तो सर पुराने नेता हो गए, वर्तमान समय में डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो कहने का तक जो है आवाज़ उठती है लेकिन आवाज़ पहुँच नहीं पाती है, तो इसको बनाने के लिए क्या सर? मैं गरीब किसान परिवार से आते थे, उन्होंने समाजवादी आंदोलन को इस इलाके में फैलाने का काम किया। हम लोग अभी सर पानी के लिए जूझ रहे हैं निचले स्तर में जो है, देखिए देखिए आंदोलन को आगे पहुंचाने का काम किया। राम इकबाल बाबू जी ने पीरों का गांधी कहा जाता था, एक से एक नेता इस इलाके में रेराम देश बाबू की चर्चा में। एक बार पटना आते तो आपको मैं सिंचाई मंत्री के यहाँ ले जाता, इसकी समस्या का समाधान कैसे हो। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी हम लोग चटपोखरी ब्लॉक में हैं। चटपोखरी ब्लॉक में यहाँ पर जो है पूर्व विधायक रघुपति गोप जी का जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं बिहार विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जो कि नरेंद्र नारायण यादव जी, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो सर रघुपति गोप जी का जो है मूर्ति का अनावरण हुआ है, आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप आए हुए हैं। ठीक बात, पत्रकार महोदय, हम लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय नीतीश बाबू ने इस मूर्ति को लगवाया था और उन्हीं के निर्देश पर मैं यहाँ उद्घाटन करने आज जो है मूर्ति का अनावरण करने आया था। वो गरीब किसान परिवार से आते थे, उन्होंने समाजवादी आंदोलन को इस इलाके में फैलाने का काम किया, खास करके किसानों की खेत में सोन नदी का पानी कैसे पहुँचे ये लड़ाई लड़ने का उन्होंने काम किया है और हम उनके कार्यक्रम के सामने नतमस्तक हैं और हम चाहते हैं उनकी बातें, उनके सिद्धांत, उनके कारनामों को जन जन तक पहुँचावे। जो जिस तरह से सेवा दिए हैं या जनता के लिए हमेशा खड़े रहते थे, क्या संदेश जाता है जनता के बीच में? ये हम लोगों के लिए संदेश जाता है कि हम लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर पत्रकारी चलना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, उससे बड़ी शक्ति किसी में नहीं होती है। हम लोग उनके पद चिन्हों पर चल करके जनता की सेवा करेंगे। जिस तरह से सर सुनहरों का जो बात होता है, वैसे में जो है हम लोग आज के समय में सुन रहे हैं एक करवन जलाशय परियोजना है सर, बहुत दिनों से हम लोग बात सुनते आ रहे हैं। हम तो अभी जैसे युवा हैं, आप तो सर पुराने नेता हो गए, वर्तमान समय में डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो कहने का तक जो है आवाज़ उठती है लेकिन आवाज़ पहुंच नहीं पाती है, तो इसको बनाने के लिए क्या सर? मैं पत्रकार जी, आपके माध्यम से आपने मेरे सामने इस मुद्दे को उठाया है जी सर, और आपसे मैं आग्रह करूँगा कि अगर आप एक बार पटना आते तो आपको मैं सिंचाई मंत्री के यहाँ ले जाता, इसकी समस्या का समाधान कैसे हो। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सिंचाई मंत्री के सामने और सिंचाई विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके सामने इस समस्या को रखूँगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, अन्य लोगों को क्या कहिएगा? मैं अन्य लोगों से भी यही अपेक्षा रखूँगा कि स्वर्गीय रघुपति बाबू ने जिस सिद्धांत, जिस नीति, जिस कार्यक्रम को लेकर के इस इलाके को आगे बढ़ाने का काम किया है, इस कड़ी को आप और आगे बढ़ाइए आके, यही हम कहना चाहेंगे। किसान लोग अभी सर पानी के लिए जूझ रहे हैं निचले स्तर में जो है। देखिए देखिए पत्रकार जी, आप जानते होंगे कि उत्तरांचल में अन्य राज्यों में भीषण बारिश हुई है जी सर, और हम लोग प्रकृति के पानी पर निर्भर करते हैं और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि कैसे हम लोगों के खेत तक पानी पहुँचावे, चाहे वो राजकीय नलकूप हो, चाहे जलाशय से नहर निकाल के हो, अन्य कार्यक्रमों को सरकार कार्य रूप दे रही है इस जगह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं जो कि हम लोग चरपोखरी ब्लॉक में हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद है डिप्टी स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव जी, और जिनसे हम बात कर रहे थे, वैसे में जो है किसानों के जो नेता थे रघुपति गोप जी, जो कि उनका जो है मूर्ति का जो है अनावरण हुआ है, वैसे में आपको बता देना चाहते हैं वर्तमान समय में किसान लोग जो है काफ़ी पानी की वजह से जो है और खादों के लिए काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस पर हम लोग बात किए, चर्चा किए, और खास करके करवन जलाशय परियोजना जो है हमारे शाहबाद पूरे मगध के लिए जो है ये परियोजना जो है काफ़ी कारगर रहेगा, इसके लिए हम लोग सवाल किए। आंदोलन को आगे पहुंचाने का काम किया। राम इकबाल बाबू जी ने पीरों का गांधी कहा जाता था, एक से एक नेता इस इलाके में रेराम देश बाबू की चर्चा में वो नारा देते थे
जैसा नौकर चौकी, जैसा नौकर थानेदार वैसा नौकर चौकीदार, चौकीदार और थानेदार में वो अंतर नहीं समझते। वो गरीब चौकीदार की लड़ाई लड़ते थे, शोषित पीड़ित की लड़ाई लड़ते थे, विक्रमगंज से वो संघर्ष करते रहे, उन्हें हरा दिया गया चुनाव में। मैं जानता हूं इस बात को, आप लोगों ने उनके आदम पर मूर्ति लगाने की चर्चाएं की। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आपकी बात को बड़ी मजबूती के साथ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के सामने मजबूती से रखने का काम करूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे कि राम अध्यक्ष बाबू क्या था। जब मैं मंत्री था, राजस्व विभाग का बराबर मेरे कक्ष में हुआ, अपनी बात बताते थे कैसे उन्होंने संघर्ष किया, कैसे उन्हें हराया गया, 1200 करोड़ से सारी कहानी वो कहते थे। उन लोगों ने उस समय भी संघर्ष किया जिसमें एक पक्ष की टूटी देश में मूर्ति किया कार्यक्रम आ गया है। वो एक महान व्यक्ति थे, समाजवादी चिंतक और विचारक थे, जिनके ऊपर समाजवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राम लोरैया, बाबू जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह का आशीर्वाद था। आप जानते हैं चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने थे किसान नेता। एक बार उन्होंने चुनावी सभा में कहा था कि मैं जब छोटा था मेरे पिता हल चलाते थे, मैं बैल की डोरी को पकड़ के आगे आगे चलता था, मेरी माँ बाल्टी में पानी लेके आती थी, छोटा सा घर था, एक में गाय भैंस और बैल को बांधा जाता था। तो शायद जो है आगे जो है आने वाले समय में जो है इस पर काम करने के लिए जो है बात सहमति जताई। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ, थैंक यू।